नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। और सिलसिला बाजारों का में चर्चा होगी यहाँ पर कम्युनिटी बाजार के बारे में। कम्युनिटी बाजार पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई है रूपा मेहता। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे नाम सीवी पर। जी, गुड मॉर्निंग। रूपा जी, देख रहे हैं कि खबर निकल के सामने आई है कि यूएस फेडरल ने बेसिस पॉइंट्स में बढ़ोतरी कर दी है, 75 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की है। रूपा जी, इसका असर अब गोल्ड और सिल्वर पर कैसा रहेगा? देखिए, ऑलरेडी मार्केट इस न्यूज को कैश कर चुका है और उसके चलते ही हमने गोल्ड के अंदर जो गिरावट आते हुए देखी थी, अब बाजार जो है वहां से वापस से संभलते हुए नजर आए हैं। और आज आप देखिए, इंटरनेशनल मार्केट्स में एक बार फिर से रैली देखने को मिली है और मार्केट जो है पॉजिटिविटी के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। जो कल की गिरावट थी वो अब थमती हुई नजर आई है, यानी कि जो गिरावट आनी थी वो आ चुकी। अब $1800 के ऊपर जो गोल्ड सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है, यहां से वापस से एक बार बाउंस बैक एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि देखने को मिल सकता है। और ऊपर में $1840 से $1860 की रेंज देखने को मिल सकती है। ऑलरेडी न्यूज कैश हो चुका है, जिसकी वजह से हमने लगातार गिरावट आते हुए देखी थी मार्केट के अंदर। अब मार्केट यहां पर सस्टेन करता हुए नजर आ रहे हैं, तो यहां से लग रहा है कि वापसी कर सकता है बाजार और एक बार फिर से सोने के अंदर तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। ओवरऑल देखा जाए तो सोना हमेशा से ही पॉजिटिव रहा है और अभी भी मार्केट के अंदर जो गिरावट देखने को मिली थी उसके बाद निचले स्तरों पर एक बार फिर से खरीदारी हमने लौटते हुए देखी है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वापस से सोना $1860 के आसपास सस्टेन करता हुआ दिखाई दे सकता है और 50,000 का लेवल अहम सपोर्ट है डोमेस्टिक मार्केट में। अगर वो ब्रेक नहीं होता तो अगेन बाइंग बनी रहेगी और आज भी हम इसमें बाइंग आते हुए देख रहे हैं। तो 50,000 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ जो भी करेक्शन आए वहां पर बाइंग पोजीशन इनिशिएट करके चला जा सकता है। और लॉन्ग टर्म बाइंग के लिए 49,800 से 50,000 का रेंज काफी अच्छा हो सकता है बाइंग के लिए। रूपा जी, कच्चे तेल में क्या लग रहा है? कच्चे तेल में तो देख रहे हैं कि आज $120 के नीचे प्राइसेस गए हैं। WTI $116 पर है, ब्रेंट क्रूड ऑयल $119 पर। वही इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने भी कह दिया है कि डिमांड कम रहेगी। तो रूपा जी, ऐसे में क्या वाकई डिमांड कम रहने वाली है? क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि चाइना में भी जो लॉकडाउन लगा है, केसेस पहले से कम है, केसेस अभी भी हैं लेकिन पहले से कम है। दूसरा, मार्केट में ऑलरेडी टाइट सप्लाई है, तो क्या अभी भी कच्चे तेल के जो दाम है वो कुछ करेक्ट होने चाहिए या फिर यहाँ से दोबारा से बढ़त बन जाएगी? देखिए, दोबारा से बढ़त बनते हुए अभी दिखाई भी दी है क्योंकि एक बार फिर से आज हमने इनको रिकवर होते हुए देखा है पिछले सेशन के कंपैरिजन में, क्योंकि टाइट सप्लाई तो है ही, साथ में इस टाइम पर समर कंजम्पशन जो है वो पीक पर रहती है। और दूसरा, यूएस के अंदर जो रेट हाइक हुआ है उसकी वजह से भी इकोनॉमिक ग्रोथ का स्लो डाउन होना दिखाई देता है और उसके चलते फ्यूल डिमांड थोड़ा सा कम होती हुई दिखाई दे सकती है। तो इस वजह से हमने इसमें करेक्शन आते हुए देखी थी, लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये ऑलरेडी मार्केट प्रिडिक्ट कर रहा था कि फेड की तरफ से इंटरेस्ट रेट को जो है वो हाई किया जा सकता है। और उसी न्यूज के चलते हमने एक से दो ट्रेडिंग सेशन में सोने में और कच्चे तेल में गिरावट आते हुए देखी, लेकिन जब अब ये खबर निकलकर आई और 75 बेसिस पॉइंट से जो इंक्रीमेंट हुआ है उसके बाद से मार्केट जो है वहां से पॉजिटिविटी के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और वापिस से दोनों ही कमोडिटीज के अंदर तेजी बनती हुई नजर आई है और क्रूड जो है संभलता हुआ नजर आया। लेकिन हाँ, डोमेस्टिक मार्केट में अगर देखा जाए तो काफी करेक्शन आ चुका है, 9,000 के नीचे लुढ़क चुका है, 1% आज भी गिरावट दिखा रहा है। नीचे में 1860-1840 आज इंट्राडे में हो सकता है देखने को मिले, लेकिन अगेन वहां से बाउंस बैक आ सकता है जो कि अगेन 9100-9200 का स्तर बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, इसी के साथ नेचुरल गैस में क्या लग रहा है? नेचुरल गैस तो देख रहे हैं कि थोड़ी सी रिकवर हुई है निचले स्तरों से, तो क्या लग रहा है आपको? जिस हिसाब से अमेरिका से एक्सपोर्ट में कमी आई है नेचुरल गैस के में और वहां पे इन्वेंट्रीज में बढ़ोतरी हुई है, तो क्या अभी नेचुरल गैस का बाजार कुछ समय तक ऐसी रहने वाला है? देखिए, नेचुरल गैस में शार्प करेक्शन और एक अच्छा खासा डाउनफॉल हमने आते हुए देखा पिछले एक दिन में, और एक ही दिन में इतनी जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। और अब यहाँ पर देखिए, बहुत ज्यादा करेक्शन आ चुका है और अब यहाँ पर हो सकता है कि प्राइसेस थोड़ा सा रिबाउंड होते हुए नजर आए और एक छोटी सी रिकवरी जो है वो बनती हुई दिखाई दे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि 550 का एक नीचे में स्टॉप लॉस बनता है, 550 से 540 का, अगर वो ब्रेक नहीं होता तो वापिस से मार्केट जो है 650-680 तक ऊपर जाती हुई दिखाई दे सकती है। तो हाल फिलहाल में थोड़ा सा फंडामेंटली सपोर्ट है यहाँ पर, एक बार फिर से प्राइसेस जो है थोड़ा बूस्ट दे सकता है, 620-640 तक की तेजी एक बार बनती हुई दिखाई दे सकती है। फिलहाल के लिए यहाँ पर एक बार बाइंग बनाई जा सकती है। जी रूपा जी, बेस मेटल्स में क्या लग रहा है? क्या बेसिस पॉइंट्स में जो बढ़ोतरी हुई है उसका असर बेस मेटल्स पर भी दिखेगा?
देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की एक डिमांड जो है वो पिकअप होती हुई नजर आ सकती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा सपोर्ट बेस मेटल को भी मिलता हुआ नजर आ सकता है। और हम देख भी रहे हैं कि मार्केट रिकवर हुआ है, कॉपर अगेन से 760 पर पहुंच चुका है और यहां से 780-800 फिलहाल यही रेंज में मार्केट घूमता दिखाई दे सकता है। बहुत ज्यादा मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन स्टिल जो डाउनसाइड आना था वो अब कहीं ना कहीं थमता हुआ नजर आया है। जिंक 300 के आसपास सपोर्ट लेकर वापस से आज भी 2% की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है कि रिकवरी आ चुका है मार्केट में और अगेन जो है वो लेवल इंटैक्ट है। 340 तक ऊपर में जिंक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो वहीं अगर बात करें कॉपर की तो कॉपर भी यहां से 760 के बाद 780 तक ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, नॉन एग्री में टॉपिक्स करेंगे? देखिए नॉन एग्री की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि आज सोने और चांदी में हल्की खरीदारी बन सकती है, तो उसमें बाइंग करके चला जा सकता है। सोना आज 50,800 तो चांदी 61,400 से 600 तक ऊपर जा सकता है। जी रूपा जी, इसी के साथ बात करें अगर एग्री कम्युनिटीज की, तो सबसे पहले M6 कॉटन पर चर्चा करना चाहूंगा। M6 कॉटन में हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे कुछ रिकवरी हुई है, प्राइसेस अब 45,000-46,000 के बाद अब 47,000 के लेवल्स पर है। आपको क्या लगता है, क्या कॉटन में जो धीरे धीरे रिकवरी है वो फिर से 50,000 के पार ले जाएगी प्राइसेस को? देखिए अभी 50,000 का लेवल आना तो मुश्किल लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि 50,000 के पार जो है वो प्राइसेस जा सकते हैं। अभी फिलहाल देखिए 46,000 से 47,500 की रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा अभी तेजी में नहीं है मार्केट, तो मुझे नहीं लगता कि अभी 50,000 का लेवल एक बार टच होता हुआ दिखाई देगा। मेबी मैक्सिमम तेजी हमें लगता है कि 48,000 तक जा सकती है। जी इसी के साथ रूपा जी बात करें अगर वीट की, तो वीट में भी अब खबर निकल के सामने आई है कि दुबई से जो भारतीय निर्यात हो रहा था गेहूं का, उसको निलंबित कर दिया गया है। रूपा जी अब दुबई भी शामिल हो गया है उन देशों की श्रेणी में जिन्होंने भारतीय गेहूं को वापस किया है, यानी कि इसका एक्सपोर्ट बंद कर दिया है इम्पोर्ट करना। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है, क्या इस ये जो हो रहा है भारतीय गेहूं के साथ वापस लौटाया जा रहा है, निलंबित किया जा रहा है इसके एक्सपोर्ट को, तो क्या इसका असर प्राइसेस पर भी पड़ेगा अगर घरेलू स्तर पर बात की जाए तो? देखिए बहुत ज्यादा कोई इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ अभी थोड़ा सा रिजेक्ट जो हो रहा है गेहूं वो क्वालिटी के ऊपर हो सकता है इश्यू हो, जिस वजह से ये देखने को मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो अभी तो पॉजिटिव ही लग रहा है मार्केट और अच्छी खासी तेजी में ही बाजार बना भी हुआ है और आगे चलकर भी एक्सपेक्टेड है कि प्राइसेस तेजी में बने रह सकते हैं। और जैसा कि एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है कि कुछ कंट्रीज में एक्सपोर्ट खोला जा सकता है, तो अभी के लिए गिरावट तो दिखाई नहीं देती है, लेकिन हाँ तेजी हो सकता है आपको इन खबरों के चलते थमती दिखाई दे, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव रहने वाला है और यहाँ पर खरीदारी की तरफ ही रहना चाहिए और जिनके पास शक है वो होल्ड करके चल सकते हैं। जी रूपा जी, ग्वार में क्या लग रहा है? ग्वार तो देख रहे हैं कि काफी दिनों से सुस्ती के साथ ही है, अब देख रहे हैं कि 10,600 के लेवल्स पर ग्वार गम है और ग्वार सीड 5,665 तक का लो लगा चुका है। क्या लगता है रूपा जी इन लेवल्स को देखते हुए, क्या अभी प्राइसेस कुछ और करेक्ट होने बाकी हैं? देखिए ट्रेंड तो अभी नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है कि मार्केट एक बार से फिर से लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है सीड का, स्पेशली सीड अच्छी करेक्शन में आ चुका है और यहाँ पर अभी थोड़ा सा रिबाउंड भी आ सकता है, खरीदारी लौट सकती है। जुलाई वायदा ज्यादा से ज्यादा 5,700 से 5,800 तक ऊपर सस्टेन हो सकता है और नीचे में 5,600 का लेवल है, तो 5,600 तक की गिरावट एक बार एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और अगर गम की बात करें तो गम में बहुत ज्यादा अभी एक्सपेक्टेड नहीं है, 10,600 से लेकर 10,500 तक का स्तर नीचे में एक बार बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वहां से हो सकता है कि एक बार खरीदारी लौटती हुई नजर आए। लेकिन अभी के लिए तो देखिए सभी एग्री कमोडिटीज थोड़ा सा करेक्शन में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म अभी भी पॉजिटिव है मार्केट्स, कोई बहुत ज्यादा डरने वाली बात नहीं है। आगे चलकर लग रहा है कि एग्री कमोडिटीज में तेजी बरकरार रह सकती है। जी रूपा जी, अगर एडिबल ऑयल्स की बात की जाए तो इंडोनेशिया ने एक्सपोर्ट लेवी में कटौती की है, जो एक्सपोर्ट करने का जो टैक्स है उसमें कटौती कर दी है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा वो जो पाम तेल है उसका एक्सपोर्ट कर सके। तो ऐसे में क्या लग रहा है, क्या भारत को इस चीज का फायदा होता हुआ दिखाई देगा, क्या भारत की जनता को आने वाले कुछ समय में सस्ता तेल उपलब्ध हो पाएगा? देखिए अभी तो फिलहाल जो है आने वाले टाइम में हो सकता है कि गिरावट की तरफ मार्केट रहे। देखिए ओवरऑल एडिबल ऑयल तो अभी प्रेशर में नजर आते हैं, लेकिन सोयाबीन में हो सकता है, जैसे मैंने कल भी डिस्कस किया कि सोयाबीन में हो सकता है कि तेजी बनती हुई दिखाई दे। ये एक्सपेक्टेड है कि पाम ऑयल और पामोलिन की ज्यादा सप्लाई की हो सकती है इंडोनेशिया और मलेशिया से, और बाकी एडिबल ऑयल पैक के ऊपर इसका एक जो है वो इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अभी हमने देखा है कि कुछ एक प्राइजेस जो है करेक्ट भी हुए हैं, चाहे वो
सोयाबीन हो, सरसों हो, रिफाइंड हो, सबकी कीमतों में अभी फिलहाल तेजी बनती तेजी थमती हुई दिखाई दी है, लेकिन माना यह जा रहा है कि एक बार फिर से सोयाबीन सस्टेन कर सकता है और इसकी कीमतों में तेजी बन सकती है, क्योंकि क्रूड सोयाबीन ऑयल और सूरजमुखी तेल पर अभी फिलहाल जो है इम्पोर्ट ड्यूटी को खत्म कर दिया गया है और इसका इम्पैक्ट जो है आगे चलकर प्राइसेस के ऊपर आता हुआ दिखाई दे सकता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आ रही जो है तेजी वो एक सपोर्टिव फैक्टर हो सकती है सोयाबीन के अंदर। तो हमें लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में सोयाबीन के अंदर एक तेजी का रुझान बन सकता है, इंस्टेड ऑफ अदर एडिबल ऑयल सोयाबीन में खरीदारी की तरफ रहा जा सकता है। जी रूपा जी, मसालों में क्या लग रहा है? मसालों में तो देख भी रहे हैं कि सोइंग कम है धनिये की और जीरे की, तो ऐसे में पहले तो रिपोर्ट्स आ रही थी कि काफी सारी सरकार भी कह रही थी कि बुआई कम रहने के चलते मसालों में तेजी बन सकती है, वो तेजी हमने बनती भी देखी, लेकिन रूपा जी अब देख रहे हैं कि ऊपरी स्तर पर जो प्राइसेस हैं कहीं ना कहीं सिमट के रह गए हैं, तो क्या लगता है क्या आने वाले कुछ एक से डेढ़ महीने के अंदर मसालों में कुछ रिकवरी देखने को मिलेंगी या फिर जो प्राइसेस हैं वो यहीं की यहीं रह जाएंगे? देखिए अभी समर सीजन के चलते डिमांड मसालों की कम है, इस वजह से फेस्टिव सीजन भी नहीं है जिसकी वजह से डिमांड जो है वो पिकअप नहीं हो रहे हैं, तो इस वजह से ये वाले सीजन में मार्केट जो है वो रेंज बाउंड हो जाता है अप्रोक्सीमेटली, तो अभी भी वही हम देख रहे हैं। और फंडामेंटल जैसे कि अभी भी आपने बताया कि फंडामेंटल काफी सपोर्टिव है सभी एग्री कमोडिटी मसालों के अंदर, चाहे वो धनिया हो, जीरा हो, सबकी प्रोडक्शन जो है इस बार कम रही है और इस डिमांड जो है आगे चलकर पिकअप होती हुई दिखाई दे सकती है। और हल्दी के केस में मैंने पहले भी बताया था कि 7,800 के आसपास हल्दी लुढ़क सकती है, तो 7,800 के का एक सपोर्ट है, अगर वहां से मार्केट बाउंस ले लेता है तो अगेन तेजी में जा सकता है, अदरवाइज ये करेक्शन बढ़ सकती है 7,800 से 7,600, तो वो लेवल काफी अट्रैक्टिव हो सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव बाइंग के लिए। नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ में अगर किसी को पोजिशन बनाना हो तो वहां पर उन लेवल्स के आसपास पोजिशन बनाकर चल सकते हैं, एक से डेढ़ महीने के बाद प्राइसेस में रिकवरी आती हुई दिखाई दे सकती है। जी रूपा जी, बिनौला खल में क्या लग रहा है? बिनौला खल में देख रहे हैं कि 2850 तक के जो लेवल्स हैं वो लग चुके हैं, वही जुलाई वायदा में और अगस्त वायदा में देख रहे हैं कि 2860 तक के लेवल्स हैं। तो रूपा जी क्या लग रहा है आपको, क्या बिनौला खल फिर से 3000 के लेवल दिखाने के लिए तैयार है? देखिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अभी नहीं लगता कि 3000 का कोई स्तर बनता हुआ दिखाई दे सकता है। मुझे लगता है कि अभी 2700 से 2850-2900 ये रेंज जो है फिलहाल बनती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि अभी यहाँ पर डिमांड नहीं पिकअप हो रही है जिस वजह से प्राइसेस नीचे की तरफ बने हुए हैं और लंबे अरसे से हम देख रहे हैं कि प्राइसेस इसी रेंज में है, तो अभी इसकी तेजी हो चुकी इस सीजन की, तो मुझे लगता है कि इसमें प्रेशर बना रह सकता है। इनफैक्ट मेरे हिसाब से इसमें 2700 का स्तर बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, एग्री कम्युनिटीज में आपको वो कौन सी एग्री कम्युनिटीज पसंद आ रही हैं जो आज भी और आने वाले कल भी निवेशकों को अच्छा मुनाफा देंगी? देखिए अगर सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बिनौला खल और कैस्टर मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ से बिकवाली के लिए, ये दो कमोडिटीज हो सकती हैं जिनमें बिकवाली करके मुनाफा कमाया जा सकता है। अगेन बाइंग की तरफ बात करें थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म होरिजन लेकर, तो मसाले अच्छे लग रहे हैं, तीनों ही मसालों में बाइंग खरीद करके चला जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।